नमस्कार, मैं हूं भावना चंद रुद्रा न्यूज से और मेरे साथ मौजूद हैं डीएसटीए के उम्मीदवार नवीन गर्ग, जो कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर वो व्यापारियों के बीच उतरे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नवीन गर्ग, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए मैं प्रत्याशी हूँ डीएसटीए का। इस बार चुनाव में जो मुद्दे हैं वो थोड़ा कुछ इस तरह हैं, जैसे कि पटरियों जो चोरी हो चुकी हैं उनको थोड़ा भीड़ा उनको कम कराना है, कम नहीं कराना तो उसको भी दूसरा रास्ता निकालना है, या बिल्टियों के चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको कम कराना है। तीसरी बात, जीएसटी को लेकर जो भी प्रॉब्लम हमारे व्यापारियों को आ रही हैं उस समस्या का समाधान करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो जीएसटी से रिलेटेड। बाकी स्मार्ट टॉयलेट बनवाना है डीएसटी के करोलबाग के अंदर, जिससे कि हमारे व्यापारियों को सुविधा मिले उस टॉयलेट की। और मैं आप सबसे यही चाहता हूं कि आप सभी सलपान गिरधरन ग्रुप को भारी मतों से वोट डालकर विजयी बनाएं। जीतने के बाद सबसे पहले करने वाले का जो मेरे हिसाब से, एक तो जो बिल्टी चार्ज है उसका निवारण करना है, सेकंड जो ये पटरियां जो बहुत चौड़ी हो चुकी हैं उनको, उनके लिए कुछ सोचना क्या करना है। अगर व्यापारियों का दिल जीतने के लिए कहा जाए तो एक अपील कर दीजिए आप। अपील क्या करूँ, मैं तो वोट ही मांग सकता हूँ, मैं जीतने के बाद ही सब कुछ कर सकता हूँ। जब तक हम सीट पे नहीं आएंगे या जीतेंगे नहीं, डीएसटी में जाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे माइंड में है, जो हमारी सोच है, हम उसको हमारे तक ही सीमित रह जाएंगे। बस नई सोच के साथ हम आगे आएंगे, जिससे कि डीएसटी भी आगे जाए और व्यापारी भी आगे जाए। तो आपने सुना नवीन गर्ग के मुद्दे क्या हैं इलेक्शन को लेकर। मेरे साथ बने रहिए रुद्रा न्यूज भावना चंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।